तो फाइनली गाइस आप लोगों के लिए अभी टाइम की ऐसी सॉल्यूशन लेकर आया हूँ जो सारे डिवाइस में वर्क करेगा। मुझे कुछ बंदा बोल रहे थे कि भाई आपने जो VTM प्लस दिया था वो मेरे डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो मैं उसका मोबाइल हाथ में लेकर देखा था कि ये सच में वर्क नहीं कर रहा है। मैंने सोचा कि अगर इसके मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है तो और भी लोग हैं उन लोगों के मोबाइल में वर्क नहीं करेगा ये। और ये भी सोचा कि क्यों ना हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और गाइस ये जो VTM प्लस है ये उसी डिवाइस में वर्क नहीं करता जो एंड्रॉयड 11 वर्सन के नीचे हो। लोग गाइस VTM प्लस को फेसबुक के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका भी सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। तो गाइस वीडियो में बने रहे और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करके इस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। मेरा ज्वाइन होने के बाद गाइस VTM प्लस को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे डन कीजिए। डन करने के बाद अब लोग VTM प्लस को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर लाइन साइज जो देख रहे हैं ऐसे लाइन साइज चेंज कर सकते हो, लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, जो मर्जी वो कलर दे सकते हो आप लोग। चेंज करने के बाद आप लोग सिंपली ये जो स्टार्ट बटन है यहाँ पर क्लिक करना होगा आप लोगों को। तो गाइस स्टार्ट हो रहा है और साइड पर जो आप लोग देख रहे हैं 3 डॉट वहाँ पर क्लिक करके आप लोगों को ये दो स्विच ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद आप लोगों को माइनस वाला बटन जो है वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर क्लोज वाले बटन पर क्लिक करोगे तो वो कट जाएगा। तो आप लोगों को मैं कुछ गेम प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है, देखते रहिए आप लोग। गाइस इसमें हर एक गेम जीत सकते हो। तो गाइस फेसबुक के साथ VTM कैसे कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। तो गाइस लॉगिन करने के लिए आप लोगों को क्रोम होना पड़ेगा, क्रोम ब्राउज़र आप लोग मोबाइल में। और दूसरा फेसबुक अनइंस्टॉल होना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल है तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करके उसे बहुत आसानी से लॉगिन कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखाता हूँ। करने के लिए सिंपल आप लोगों को लॉग इन विथ फेसबुक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये ले जाएगा आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर यूज़र नाम और पासवर्ड देना है। देने के बाद इसे लॉगिन कर सकते हो आप लोग। तो मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने लॉगिन कर दिया है। तो देखो गाइस लॉगिन हो चुका है। अब मेल बॉक्स ओपन करता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।